नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। 24 फरवरी को सुबह यूक्रेन के लिए तबाही की शुरुआत हो गई थी, जब रूस ने ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत की थी। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, तबाही का दौर जारी है। जंग में रूसी सेना ने यूक्रेन के तमाम सरकारी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और शहर खंडहर में तब्दील कर दिए। रूस ने जो तबाही मचाई, अब उससे कदम भी खींचने लगा है। बता दें कि रूस ने मारियोपोल शहर में एक अस्पताल पर बमबारी कर अपना रुख बदल लिया है। एजेंसीज के मुताबिक बीते दिन यानी गुरुवार को क्रेमलिन की ओर से एक बयान जारी किया गया था। इसमें साफ तौर पर इस बात से साफ इनकार कर दिया गया था कि रूसी सेना ने अस्पताल पर बम बरसाया था। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि बुधवार को एक अस्पताल पर हुए बम विस्फोट में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही रूस के इस दावे को खारिज कर दिया कि वहां कोई मरीज नहीं था। जेलेंस्की ने कहा कि हमेशा की तरह पुतिन से झूठ बोला गया है। साफ है कि जब से रूस ने जंग का बिगुल बजाया है, तब से दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है। जेलेंस्की ने बयान के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्रा पेस्कोव से कहा कि रूसी सेना ने इस जंग में आम नागरिकों को टारगेट नहीं किया है, न ही उन पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन इस घटना की जांच करेगा। यूक्रेन पर रूसी हमले का युद्ध जारी है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि मॉस्को ने यूक्रेन के माध्यम से तेल और गैस का निर्यात जारी रखा है। जहां क्रेमलिन के 3 सप्ताह पहले पश्चिमी प्रतिबंधों की लहर के साथ सैनिकों को भेजा था, पुतिन का कहना है कि रूस यूक्रेन सहित सभी एनर्जी एक्सपोर्ट्स जारी रखे हुए हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन पर रूस के हमले को देखते हुए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधों से परेशान रूस की तेल कंपनियां भारत को तेल पर भारी डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की तेल कंपनियां भारत के कच्चा तेल की कीमत 25-27% तक की छूट पेशकश कर रही हैं। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस ने कई बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से हटा दिया है, जिसके बाद रूस के लिए अन्य देशों के साथ व्यापार करना मुश्किल हो गया है। रूस का सरकार इस स्थिति से निकलने के लिए एक भय भुगतान तंत्र का निर्माण करने जा रही है। बता दें कि अगर ये हो जाता है, तभी भारत के साथ रूस के तेल का व्यापार बढ़ पाएगा। रूस से हालांकि भारत कम मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है, अपने इस्तेमाल का करीब 70% हिस्सा भारत ओपेक देशों से खरीदता है। युद्ध से भारत के व्यापार को कोई प्रत्यक्ष नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर युद्ध का काफी असर होने वाला है। दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा नगर निगम के चुनाव टालने और इसके पीछे दी गई दलीलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाराज हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के आगे झुकने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर जानबूझकर संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए कहा कि दिल्ली में नगर निगम ने चुनाव होने से जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 मार्च को सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित की थी कि शाम 5 बजे तक आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। उसी शाम 1 घंटे पहले शाम 4 बजे केंद्र ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के 3 निगमों को एक करना चाहते हैं, इसलिए आज चुनाव टाल दें। इसी पर केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि शायद देश का 75 सालों के ऐतिहासिक में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए कह दिया हो। उत्तर प्रदेश में कमल खिलने के साथ ही कई रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। इसमें सबसे पहले एम योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 20 मई 1950 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन हुआ था। इन 91 सालों में देश के 21 मुख्यमंत्री मिले, लेकिन जो रिकॉर्ड योगी लिखने जा रहे हैं वो अभी तक कोई भी नहीं लिख सका।
योगी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं। भाजपा शासन में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 5 साल तक एक ही व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अकेले कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वो 34 साल से चल रहे नोएडा फैक्टर्स को तोड़कर जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा ऐसा 71 सालों में पहली बार हुआ कि कोई फुल टर्म सीएम लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सपूरा साफ हो गया है। इस बार प्रदेश में पार्टी की कमान प्रियंका गांधी ने संभाली, लेकिन खासा आंसर नहीं दिखा पाई। इन सब के बीच मेरठ की हसनापुर विधानसभा सीट की जबरदस्त चर्चा हुई, क्योंकि कांग्रेस ने यहां बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर अर्चना गौतम को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनका भी जादू नहीं चल सका और हार का सामना करना पड़ा। अर्चना गौतम को 15,000 वोट मिले और वो 3rd नंबर पर रही। वहीं एक बार फिर से बीजेपी विधायक दिनेश खटिक ने जीत हासिल की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा को हरा दिया है। अभिनेत्री और मॉडल अर्चना गौतम ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस को ज्वाइन किया था, जिसके बाद क्या सगाया जा रहा था कि उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। 2 महीने के भीतर ही कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। टिकट मिलते ही वो सुर्खियों में आ गई और उनकी अपनी बिकनी तस्वीरें वायरल हो गई। कई हिंदुवादी संगठनों ने इसका विरोध भी किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो मिस बिकनी 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वो मिस उत्तर प्रदेश 2014 और मिस कॉस्मो वर्ल्ड 2018 थीं। उनके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 7,28,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां पर वो अपने सेंसेशनल डांस वीडियोस भी शेयर करती हैं। जहां पंजाब में अब सभी सीटों के नतीजे आ गए हैं और आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। आंकड़ों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को पंजाब में 2/3 बहुमत मिल चुका है और कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई भी दी है। जी हाँ, पंजाब में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने हार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है और कहा है कि पंजाब की जनता के फैसले का सम्मान करता हूं। वहीं सांसद जसबीर गिल के आरोप है और कहा है कि गिल खुद को इस चुनाव में कहां थे, वो अकाली से थे। इसके साथ ही उन्होंने सिद्धू से इस्तीफे पर भी बात की और कहा कि सिद्धू के इस्तीफे के बारे में मुझे मालूम ही नहीं है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और उनको इस्तीफा देना होगा तो वो खुद इस्तीफा दे देंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में गुरेज सेक्टर में बड़ोम इलाके में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद से ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की तलाशी दल हेलीकॉप्टर के चालक दल के बचाव के लिए बर्फीले इलाकों में पहुंच रहे हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार जिस समय यह हादसा हुआ उस समय यह हेलीकॉप्टर गुरेज के तुलैल इलाके में अपनी उड़ान पर था। इसी बीच अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसका संपर्क टूट गया। कुछ देर बाद जानकारी मिली कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दुर्घटना की सूचना पाकर भारतीय सेना और वायुसेना की एक टीम को तुरंत गुजरान नाला इलाके में रेस्क्यू के लिए भेज दिया गया। जानकारी के लिए मुताबिक हेलीकॉप्टर एक बर्फीले पहाड़ से टकराने के कारण दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई और सह पायलट की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को एक बड़ी राहत की घोषणा की है। रेल मंत्रालय अब फिर से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को कंबल और चादर आदि देने का प्रतिबंध करेगा। रेलवे ने यात्रियों को गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए ट्रेनों में चादर, कंबल और पर्दे प्रदान करने की सुविधा फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया है। यानी कि अब फिर से ट्रेनों में यात्रियों को बेडशीट, कंबल और पर्दे उपलब्ध हो सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को जारी आदेश में कहा कि इन वस्तुओं की आपूर्ति
तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू की जानी चाहिए। इससे पहले खाने समेत कई सुविधाएं दोबारा शुरू भी की जा चुकी हैं। बता दें कि यात्रियों की ये सुविधा न मिलने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। गोरखपुर जिले के पीपीगंज इलाके में पुजारी हसनगंज गाला रेत कर हत्या कर दी गई। बता दें कि शुक्रवार सुबह कुचिया में बिस्तर पर पड़ी उनकी लाश मिली। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुजारी हंस राज पिछले 2 साल से पीपीगंज के जंगल अगाही गाँव में सहुजा टोला के बाहर कुतिया में रहते थे। बता दें कि पुजारी हसनगंज के साथ एक अन्य बंगाल में साधु भी रहते हैं। बृहस्पतिवार की रात मृत पुजारी कुटिया के बाहर जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे थे, तो वहीं दूसरे साधु कुटिया के अंदर सो रहे थे। सुबह जब दूसरे साधु सोकर उठे और बाहर निकले तो पुजारी का शव बिस्तर में खून से लथपथ दिखा, तो पुलिस को सूचना दी गई। मृत पुजारी हंसराज की 4 बेटियां और 1 बेटा भी है। पुलिस को शव की हत्या के लिए पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। पुलिस की जांच भी संपत्ति विवाद के तरफ से की जा रही है। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।